हेलो स्टूडेंट्स, सो द टॉपिक ऑफ आर टुडेज क्विज इज शेप्स एंड एंगल्स। आज का जो टॉपिक है आपका क्लास फिफ्थ मैथ्स का, दैट इज़ शेप्स एंड एंगल्स। बड़ा ही न्यू टॉपिक है, इससे पहले आई थिंक फोर्थ क्लास तक आपने एंगल्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़ी हैं। तो एंगल्स आपको पता ही होगा व्हाट एन एंगल इज़। एंगल क्या होता है? इंक्लिनेशन बिटवीन टू लाइन्स, दो लाइंस के बीच में जो इंक्लिनेशन होता है, जो झुकाव होता है वहाँ पे, जैसे ये दो लाइंस है आपके, तो बीच में जो इनके बीच में स्पेस है इसको आप एंगल बोलते हैं। ओके, एंगल्स आपने पढ़ लिया होगा। वेरियस शेप्स के बारे में आपने पढ़ा होगा, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल शेप्स, एंड देन आपने टाइप ऑफ एंगल्स भी पढ़ा होगा। टाइप ऑफ एंगल्स मेन जो टॉपिक है आपका वही है चैप्टर में एक्चुअली, जो आपके थ्री टाइप्स के एंगल्स होते हैं, अक्यूट, राइट एंड ऑब्ट्यूज, है ना। तो तीनों के बारे में आपको पता होगा। तो चलिए अब आपका टेस्ट हो जाए एक छोटा सा, और टेस्ट के साथ साथ आपको कुछ चीज़ें सीखने के लिए भी मिलेगी। ओके, सो लेट्स बिगिन नाउ। उससे पहले जल्दी से, अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे राइट साइड में लिखा होगा रेड कलर से सब्सक्राइब, आप उसको टैप कर देंगे, जिससे कि नेक्स्ट टाइम कोई भी वीडियो आपकी क्लास की आती है तो आपको पता लग जाए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं अब। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, Which of the following shape doesn't have any corner? Corners आपको पता है, corners कब बनते हैं आपके? जो आपकी दो sides जब मिलती है तो ये आपका corner होता है। ओके, दो straight line जब मिलेगी, अगर curved की मैं बात करूँ तो curved line जो होती है वो आपकी corners नहीं बनाती है, ना ही curved line आपकी angles बनाती है, ये आपको पता ही होगा। तो आपको बताना है कि इसमें से आपको तीन shapes के नाम दिए हुए हैं, किस shape में कोई भी corner नहीं होता है। आपके options हैं A circle, बी रेक्टेंगल, सी ट्रायंगल। आई थिंक सेकेंड क्लास में ही आपको ये शेप्स करा दी जाती है, टू डायमेंशनल शेप्स जो होती है आपकी। तो तीनों ही शेप्स को आप जानते होंगे, बना के देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि विच शेप डजंट हैव एनी कॉर्नर। चलिए आंसर कर दिया होगा आपने, तो देखिए दिखा देते हैं आपको। ये आपकी तीनों शेप्स हैं, दिस इज़ अ रेक्टेंगल, दिस इज़ अ ट्रायंगल एंड दिस इज़ अ आपका सर्कल। ओके, तो जैसा कि बताया गया कि जो साइड्स, जो शेप्स आपकी कर्व लाइन से बनी होती है उनमें कॉर्नर नहीं होते, और इंटरेस्टिंगली जब कॉर्नर नहीं होगा तो कोई एंगल भी नहीं होगा, समझ रहे हैं आप। कॉर्नर्स में ही एंगल्स बनते हैं एक्चुअली आपके। देखिए ये कॉर्नर है इसका, और इसमें यहीं पर एंगल बना हुआ है, तो आपका जो रेक्टेंगल होता है उसमें चार कॉर्नर्स हैं, दैट इज़ वाई फोर एंगल्स होते हैं इसमें, और आपको पता होगा चारों एंगल्स जो है वो राइट एंगल्स होते हैं, है ना। नेक्स्ट, अगर हम आपके ट्राइंगल की बात करें तो ट्रायंगल में आपके तीन कॉर्नर्स होते हैं तो तीन एंगल्स होते हैं, लेकिन इसमें आप देख लीजिए, अगर मैं आपको एक सर्कुलर रूम दे दूं ऐसा और कहूं कि जाके कोने में छुप जाइए, तो आप क्या कहाँ कोना ढूंढेंगे इसमें? ढूंढ सकते हैं? तो इससे आपको पता लग जाएगा कि किस शेप में कॉर्नर नहीं होता है। ओके, चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लॉक द हैंड्स आर मेकिंग एन एक्यूट एंगल। आपको तीन क्लॉक्स दी हुई है, ए, बी एंड सी। आपको बताना है कि इन तीनों में से किस में जो आपकी क्लॉक्स की हैंड्स हैं, हैंड्स आप जानते हैं जैसे आपके दो हाथ होते हैं, ऐसे क्लॉक्स के भी दो हैंड्स होते हैं जो कि टाइम बताने में यूज़ होते हैं, वैसे तीन होते हैं, मिनट हैंड, सेकंड हैंड एंड आपका थर्ड आर हैंड। लेकिन आर हैंड और मिनट हैंड को ही हम लोग यूज़ करते हैं, सेकेंड को हम नहीं देखते क्योंकि वो बहुत फास्ट मूव करती है इसीलिए। तो बताइए, आपको दोनों हैंड्स दिए हुए हैं, दोनों हैंड्स को देखिए आप बताइए कि कहाँ, किस शेप में, किस टाइम पे दोनों के बीच में एक अक्यूट एंगल बन रहा है। आपके ऑप्शन है फर्स्ट वाले में जिसमें कि टाइम 7:25 हुआ है, टाइम देखना आप सभी को आता होगा, फिफ्थ क्लास है आपकी। तो नेक्स्ट जो है आपकी, नेक्स्ट 2:40 टाइम है आपका, एंड नेक्स्ट इज़ 9:10। तो बताइए कि किस में एक अक्यूट एंगल बन रहा है, तीनों जो वॉचेज़ हैं आपकी, क्लॉक्स जो हैं आपकी। वीडियो पॉज करिए और कमेंट सेक्शन में अपना आंसर दीजिए। चलिए आपने आंसर दे दिया होगा। अगर आपको नहीं पता कि कैसे पता लगाते हैं कि क्लॉक में अक्यूट एंगल है, राइट है या फिर ऑब्ट्यूज है, तो एक ट्रिक सुन लीजिए जल्दी से, उसके बाद आप सीधा आंसर कर सकते हैं। देखिए, अगर आपकी मिनट हैंड और आर हैंड के बीच में थ्री नंबर्स हैं, थ्री नंबर सपोज़ करिए आपकी आर हैंड 12 पर है और मिनट हैंड 3 पर है, तो 1, 2, 3, थ्री नंबर्स हैं इनके बीच में। अगर थ्री नंबर्स हैं क्लॉक की हैंड्स के बीच में तो वो आपका राइट एंगल है। आपको सिर्फ नंबर काउंट्स करने हैं, सपोज़ करिए एक हैंड आपकी 4 पर है और दूसरी 7 पर है, देन 5, 6 एंड 7, तो थ्री नंबर्स हो गए बीच में, यानी कि वो आपका राइट एंगल होगा। अगर 3 से ज़्यादा नंबर है, मोर देन 3 है, तो मोर देन 3 में आपका वो ऑब्ट्यूज एंगल होगा, और अगर 3 से कम नंबर है
दोनों हैंड्स के बीच में, तो वो आपका एक्यूट एंगल होगा। तो आप सिंपली ये देख लीजिए कि इनमें से किस क्लॉक में मिनट हैंड एंड आर हैंड के बीच में दो से कम नंबर्स हैं। बीच के नंबर्स आपको काउंट करने हैं, ये वाले नंबर्स, जहाँ पे दो से कम नंबर होंगे वही आपका एक्यूट एंगल होगा, सॉरी लेस देन थ्री, सॉरी माफ़ करिएगा, तीन से कम नंबर जाओगे, ठीक है। ईजी कॉन्सेप्ट है, तीन नंबर्स हैं तो राइट एंगल ज़्यादा है देन ऑब्ट्यूज और कम है तो अक्यूट। ये क्लॉक में आपको हैंड्स के बीच में एंगल पता करने की एक ट्रिक है। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ एन ऑब्ट्यूज एंगल डिग्री। आपको कुछ डिग्रीज दी हुई है यहाँ पे एंगल्स की, आपको बताना ऑब्ट्यूज एंगल की डिग्री कौन सी है। फर्स्ट इज 68 डिग्री, 90 डिग्री या फिर 93 डिग्री, कौन सी एक ऑब्ट्यूज एंगल की डिग्री है। चलिए आंसर कर दिया होगा आपने, तो देखिए सिंपल सी चीज़ है, इसमें भी आपको पता है 90 डिग्री आपका राइट एंगल होता है, उससे लेस अगर है तो अक्यूट है और उससे बड़ा अगर है एंगल तो फिर वो ऑब्ट्यूज एंगल है। बस सिंपल सी बात है, 90 से बड़ी जो डिग्री होगी दैट विल बी ऑब्ट्यूज। इतना हिंट काफ़ी है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एंगल बिटवीन मिनट एंड आर हैंड। सेकेंड स्लाइड में मैं आपको बता चुकी हूँ कि टाइप ऑफ एंगल हम कैसे निकालते हैं। अगेन आपको यहाँ पर एक क्लॉक दी हुई है, आपको पूछा हुआ है कि मिनट हैंड और आर हैंड, ये जो दोनों हैंड्स हैं इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो किस टाइप का एंगल है। आपके ऑप्शन है ए सॉरी अक्यूट एंगल, बी राइट एंगल या फिर सी ऑब्ट्यूज एंगल। अभी जस्ट मैंने ट्रिक बताई है, आपको सिर्फ बीच के नंबर्स काउंट करने हैं, है ना, नंबर्स से पता लग जाएगा आपको कैसा एंगल है। तो जल्दी से वीडियो पॉज करिए और कमेंट सेक्शन में आंसर करिए, अक्यूट राइट या फिर ऑब्ट्यूज, वेरी इजी क्वेश्चन। चलिए आंसर कर दिया होगा आपने, आगे आते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट टाइप ऑफ एंगल इज 180 डिग्री। देखिए आपने तीन एंगल्स पढ़े हैं, ये भी शायद पढ़ा होगा 180 डिग्री, नहीं पढ़ा तो मैं भी इसका आंसर बता दूंगी क्योंकि ये शायद आपके कोर्स में नहीं है बट आपको पता होना चाहिए। 180 डिग्री का जो एंगल होता है वो उसको हम क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन है ए स्ट्रेट एंगल, बी रिफ्लेक्स एंगल या फिर सी ऑब्ट्यूज एंगल। स्ट्रेट, रिफ्लेक्स, ऑब्ट्यूज, चलिए आंसर कर दिया होगा आपने, दिखा देते हैं पहले आपको। देखिए ये आपका 180 डिग्री का एंगल है, हमारा सीधा लाइन, सीधी लाइन बनती है और क्योंकि सीधी लाइन बनती है इसमें इसीलिए इसको हम स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। अब एक बार जल्दी से एक मैं आपको टेबल बना के दे देती हूँ, आप उसको समझ लीजिए। देखिए अगर एंगल 0 और 90 के बीच में है, 90 की बात नहीं कर रही हूँ, बीच में है, तो एंगल आपका अक्यूट है। अगर एंगल 90 का है तो एंगल आपका राइट है, राइट एंगल। अगर एंगल आपका 90 और 180 के बीच में है, 90 और 180 नहीं होना चाहिए, इनके बीच में है, 91 टू 179 पॉइंट समथिंग, तब आपका एंगल ऑब्ट्यूज है। अगर आपका एंगल 180 का है तो वो आपका एंगल स्ट्रेट है, और अगर 180 से बड़ा है, 180 टू 360 तक के जो एंगल्स होते हैं उनको हम रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। ओके, तो ये दो आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है थोड़ी सी एक्स्ट्रा, कि 180 का एंगल होगा तो आप स्ट्रेट बोलेंगे और 180 से बड़ा होगा तो रिफ्लेक्स बोलेंगे, और कंप्लीट 360 का जो एंगल होता है उसको हम कंप्लीट एंगल बोलते हैं। खैर उसकी ज़रूरत नहीं है बट एटलीस्ट 180 आपको पता होना चाहिए अभी फिफ्थ क्लास के लिए, 180 स्ट्रेट एंगल होता है आपका। ओके चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज काउंट टोटल एंगल्स। ये आपकी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, आपको एक नाम दिया हुआ है सुखमान, आप इसमें डिफरेंट एंगल्स भी आपको मार्क किए हुए हैं, आप वीडियो पॉज कर दीजिए और इसमें जितने भी एंगल्स बन रहे हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसमें कोई ऑप्शंस नहीं है आपके लिए, आप लिखेंगे आंसर 6 और इसके सामने सपोज करिए इसमें 26 बन रहे हैं तो आप 26 लिख देंगे एंगल्स, 26 जस्ट मैंने बोला है, 26 रॉन्ग आंसर है आपका। ओके सो वीडियो पॉज करिए, सुखमान में जितने एंगल्स हैं उनको काउंट करिए। चलिए आंसर कर दिया होगा आपने, आगे आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अक्यूट एंगल। आपको यहाँ पे तीन चीज़ें दी हुई है, आपको तीनों में कुछ ना कुछ एंगल्स बन रहे हैं। जैसे फर्स्ट में आपका ये एंगल बन रहा है दो स्ट्रेट लाइन, सेकंड में आपका ये एंगल बन रहा है, थर्ड में दिस एंगल, ये एंगल बन रहा है आपका। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक ऑब्ट्यूज एंगल है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, बी या फिर सी। आपके तीन एंगल्स जो हैं इनमें से एक राइट है, एक अक्यूट है, एक ऑब्ट्यूज है, तो बताना है कि कौन सा ऑब्ट्यूज एंगल है। वीडियो पॉज करके ए बी या फिर सी, आंसर 7
ब्रैकेट में जो भी आंसर आपका सही है वो आप लिखेंगे अपने नाम के साथ। चलिए आंसर कर दिया होगा आपने, आगे आते हैं। आपको एंगल पहचानना आता ही होगा, देखिए बता देती हूँ। जो आपका स्ट्रेट एंगल होता है बिल्कुल सीधा, दो लाइन, एक बिल्कुल आपकी हॉरिजॉन्टल एक बिल्कुल वर्टिकल, ये इसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल। ठीक है, जब ये एंगल आपका इसकी तरफ झुका हुआ हो ऐसा, ये हमारा होता है अक्यूट एंगल। और जब ये एंगल ऐसा होता है दूर जा रहा हो आपकी लाइन से, दोनों ऐसे जा रहे, तो ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल होता है। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट वी यूज टू मेजर एंगल। अगर आपको एंगल की डिग्री बतानी है कितना है, मैंने आपको एक एंगल दे दिया, मैं कहूँ इसको मेजर करके बताओ, आपने एंगल बनाना सीखा भी होगा, 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री के एंगल्स बनाए भी होंगे आपने, जो एंगल बने हुए हैं उनको मेजर करना भी सीखा होगा आपने। तो बताइए कि एंगल को मेजर आप किससे करते हैं, स्केल से, कंपास से या फिर प्रोटेक्टर से। तीनों चीज़ें आपको दिखा देते हैं। देखिए ये आपका स्केल है सभी, ये तो आप सेकेंड क्लास से यूज़ कर रहे होंगे। ये आपकी कंपास है, एक तरफ पेंसिल होती है इसमें, दूसरी तरफ आपकी पिन होती है, पेंसिल तो आपको ड्रॉ करने के लिए चाहिए। यह आपका डी है, इसको डी या फिर प्रोटेक्टर बोलते हैं। डी इसलिए क्योंकि डी की शेप में होता है, जैसे आपका डी बनता है ना इंग्लिश में, दैट इज़ वाई इसको डी भी बोल देते हैं हम, या फिर इसका नाम प्रोटेक्टर है। ओके, तो एंगल मेजर करने के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, स्केल या फिर कंपास या फिर डी प्रोटेक्टर। चलिए आई थिंक बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई आपको हिंट की भी ज़रूरत नहीं होगी, आपने एंगल मेजर किए ही होंगे, तो किससे किए वो आप बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिग्री मेजर ऑफ दिस एंगल। आपको ये एक एंगल दिया हुआ है, आप या तो उसको मेजर कर लीजिए, वीडियो को पॉज करिए, अपना डी लेके आइए यहाँ पर रखिए इसके ऊपर और देखिए कि कितने डिग्री का है, उससे आपको पता लग जाएगा। या फिर डिग्रीज जो आपको दी हुई है ऑप्शन में से भी चूज़ कर सकते हैं। आप देखिए ये कैसा एंगल आपको लग रहा है, क्या ये 60 डिग्री का लग रहा है या फिर 90 या फिर 120। 60 आप जानते हैं अक्यूट होता है, 90 आप जानते हैं राइट होता है, 120 ऑब्ट्यूज होता है। तो आपको ये कैसा एंगल लग रहा है, अक्यूट राइट या फिर ऑब्ट्यूज, उससे आप डिसाइड कर सकते हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप डी लाकर इसको मेजर कर सकते हैं अभी। तो बताइए कि ये एंगल कितने डिग्री का है, आपके ऑप्शन हैं 60 डिग्री 90 डिग्री या फिर 120 डिग्री। चलिए आंसर कर दिया होगा आपने, इजी क्वेश्चन है। आगे आते हैं, नेक्स्ट इज राइट टाइप ऑफ एंगल्स इन फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स। देखिए आपको तीन ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, एक सीजर दी हुई है, एक स्टिक दी हुई है, एक चेयर दी हुई है। तीनों में कुछ एंगल्स बन रहे हैं, जैसे कि सीजर में ये वाला एंगल, आपकी स्टिक में दिस एंगल एंड चेयर में दिस एंगल। आपको बताना है कि तीनों में ये किस टाइप के एंगल्स हैं। आप आंसर लिखेंगे आंसर 10, ए बी सी करके भी लिख सकते हैं, ए में बी में और सी ऑब्जेक्ट में, या फिर आप लिख सकते हैं सीजर में कैसा एंगल बन रहा है, अक्यूट राइट या फिर ऑब्ट्यूज, स्टिक में एंड चेयर में। तो वीडियो पॉज करिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, आंसर 10 ए सीजर में कैसा एंगल बन रहा है, टाइप ऑफ एंगल लिखिए, बी स्टिक ये जो है ये आपको कैसा एंगल लग रहा है, अक्यूट राइट या फिर ऑब्ट्यूज, सी चेयर अक्यूट राइट या फिर ऑब्ट्यूज। तीनों की पहचान मैं आपको बता चुकी हूँ, जो आपका दोनों लाइन एक तरफ एक दूसरे की तरफ जब झुकी हो इंक्लाइंड हो वो आपका अक्यूट एंगल होता है, जो बिल्कुल स्ट्रेट होती है ये आपका राइट एंगल होता है, और जब एक दूसरे से दूर जा रही हो ऐसे तो वो आपका ऑब्ट्यूज एंगल होता है। ओके, आंसर कर दिया होगा आपने। सो ये आपकी एक छोटी सी क्विज थी ऑफ टॉपिक एंगल्स, शेप्स एंड एंगल्स। होपफुली एंगल्स आपको क्लियर होंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ज्योमेट्री आपका 5th क्लास से स्टार्ट हो जाती है, और ये 6th, 7th, 8th में ये टॉपिक जो है और इसमें चीज़ें ऐडअप होती जाएगी। तो अभी से आप अपने कॉन्सेप्ट जो है एंगल्स को लेके, टाइप ऑफ एंगल्स को लेके वो क्लियर करते हुए चलिए। आपको एंगल मेजर करना आना चाहिए और ड्रॉ करना आना चाहिए। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।